गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग परसेंटेज का क्लास ले रहे थे। नर्वस क्लासेस की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। दो लेक्चर इस पर कंप्लीट हुए हैं, तीसरा लेक्चर आज हम लोग इसको देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध होगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और इसी तरह का वीडियो हम लोग बना करके आप लोग के लिए अपलोड करते रहें। यह क्लासेस जो है गढ़वा क्लासेस सहिजना गढ़वा झारखंड के द्वारा चलाई जा रही है, तो प्लीज इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज का अगला फॉर्म के पास आते हैं। दो शॉर्ट ट्रिक्स या दो रूप हम लोग था प्रीवियस क्लास में देखे थे। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां पे आपको मिलेगा कि उसमें था कि इफ ए इज एक्स परसेंट ग्रेटर देन वाई देन बी इज एक्स बाय 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंट लेस देन दैट ऑफ ए। मतलब ए जो है यदि बी से एक्स परसेंट अधिक है तो वहां पे देखे थे कि बी ए से कितना परसेंट कम होगा, और एक देखे थे कि ए जो बी से है एक्स परसेंट अगर कम है तो बी एक्स ए से कितना परसेंट अधिक होगा। आज की क्लास में स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन जो आज हम फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं, कह रहा है कि इफ ए इज ए कोई है एक्स परसेंट ऑफ सी, किसका सी का, ए जो है सी का एक्स परसेंट है एंड बी इज y परसेंट ऑफ सी, देन क्या पूछ सकता है आपसे कि a b का कितना परसेंट है या b a का कितना परसेंट है। फिर से देखिएगा, अगर हिंदी में हम बोले तो हिंदी में तेरे साथ में है, यदि a c का x प्रतिशत है तथा b c का y प्रतिशत है तो क्वेश्चन क्या आएगा, a b का कितना प्रतिशत है या फिर b a का कितना परसेंट है। यदि a c का x परसेंटेज है b c का y परसेंटेज है तो a b का कितना परसेंट है या फिर b a का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी हमने लिखा है, लेकिन उससे पहले इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ए कितना है, सी का x परसेंट है, सिंपल लैंग्वेज में लिखिएगा ए है तो ए इज इक्वल टू, मतलब ए है मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सी का कितना परसेंट है x परसेंट, तो क्या हो जाएगा सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाय 100, ए जो है सी का इतना है। फिर क्या करना, बी सी का कितना परसेंट है वाई परसेंट, तो बी इज इक्वल टू सी इंटू वाई बाय 100, ठीक, ए सी एक्स बाय 100 है और बी सी वाई बाय 100 है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है ए बी का कितना परसेंट है, पहला देखिए ए B का कितना परसेंट है, हिंदी में लिखने से अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि हिंदी वाले भी इस चीज को कर सके। ए B का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है, क्या होगा इसका, किसका परसेंटेज देखना है A का, मेरा फर्स्ट क्लास याद कीजिए, A का परसेंटेज देखना, किसके रेस्पेक्ट में देखना है बी के रेस्पेक्ट में, कितना है यही ना, तो ए ऊपर में जाएगा, नीचे में कौन आएगा बी, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, ए बाई बी इंटू 100, क्या होगा ए का वैल्यू कितना था, ए देखिए तो यहां पे लिखा हमने सी एक्स बाई 100, सी इंटू एक्स बाई 100, बी कितना था सी इंटू y by 100, c c कैंसिल हो जाएगा,
100 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाइड में कितना था 100 ही था, तो कितना बच रहा है यहाँ पे x, और नीचे क्या बच रहा है y, x by y मल्टीप्लाई बाय 100 बाहर होगा। अगर आपसे पूछता है सेकेंड में, मान लीजिए आपसे पूछता है कि b a का कितना प्रतिशत है, b a का कितना प्रतिशत है, तब आपको क्या करेंगे, किसका परसेंटेज निकालना है, बी का, जिसका निकालना होता है उसको कहां लिखते हैं, ऊपर में न्यूमरेटर में, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज निकालने के लिए फिर लास्ट में मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम लोग, 100 से। इसका वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी इंटू वाई बाय 100, सी इंटू वाई बाय 100 बाय ए का वैल्यू कितना है, सी इंटू एक्स बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए सी सी 100 और 100 कैंसिल हो गया, यहां से कितना आया वाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से आप ये भी कह सकते हैं, आगे इसको लिख देते हैं, और b इक्वल्स टू y बाय x मल्टीप्लाइड बाय 100% ऑफ a, ठीक है। तो ये तो डेरिवेशन हमने देखा, ये हम आपको मैथमेटिक्स सिखाए कि आएगा कैसे, और एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इतना मेहनत नहीं करेंगे, वहां पे हम लेकर के चलेंगे मान के चलेंगे। अब जब हमको क्लियर है सब कुछ और कैसे आया है, तो थोड़ा सा स्पीड चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या चाहिए होता है, स्पीड विथ एक्यूरेसी, दोनों चाहिए होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर केवल आपके पास स्पीड है और एक्यूरेसी नहीं है, आप एक्यूरेट नहीं बनाते हैं, तो हमारा काम नहीं बनने वाला, या हम केवल एक्यूरेट बनाते हैं, कम क्वेश्चन बनाते हैं, स्पीड नहीं है, तो भी हम सिलेक्शन लेने वाले नहीं। हमको क्या चाहिए, स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। तो हम जस्ट x और y फाइंड आउट करेंगे, अगर a निकालना है a का परसेंटेज ऊपर रहेगा और b का नीचे रहेगा, अगर आपको b निकालना है कि b a का कितना परसेंट है, तो b का ऊपर रहेगा x का नीचे रहेगा, ठीक है, जिसका माने b इक्वल्स टू a के रेस्पेक्ट में, तो a के रेस्पेक्ट वाला a का नीचे है, अगर a का निकालना है b के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो b वाला वैल्यू y क्या है, नीचे है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, मेरे ख्याल से आप सब लोग सॉल्व कर भी चुके होंगे मेरे बताते तक, इस क्वेश्चन को इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ a इज 20% ऑफ c, a जो है c का कितना परसेंट है, 20%, सीधा सीधा a इज इक्वल टू 20% ऑफ c, और साथ में क्या दे रहे हैं, b इज इक्वल टू 25% ऑफ c, 25% ऑफ c, इसको क्या मान लीजिए, x कितना दिया हुआ है 20, y कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, a 20 दिया हुआ है, a का x 20 दिया हुआ है, b का y कितना दिया, 25 दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ a इज ऑफ b, देखिएगा ऑफ b, तो b वाला कहां लेकर के आना है, नीचे b वाला कौन है, y 25, किसका निकालना है, a ना, a ऑफ b, a का कितना दिया हुआ है 20, और किससे मल्टीप्लाई आपको कर देना है 100 से, कितना हो जाएगा 80% रिजल्ट होगा। अगर हम आपसे पूछते कि व्हाट परसेंटेज इज b ऑफ c, सॉरी a, तब हम लोग क्या करते हैं, ऑफ a, सेकेंड केस के लिए देखिएगा क्या करेंगे, हम लोग ऑफ a है तो a का कहां पर लिखेंगे, नीचे, a कितना है 20, b का कहां पर लिखेंगे आप, ऊपर में है b, और b का वैल्यू कितना है 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना हो जाएगा ये 25 times 125%,
ए जो है बी का 125% है, आप इस तरह से भी कर सकते थे कि सर यदि सी 100 है तो ए जो है सी का कितना परसेंट था, 20% था, मतलब ए 20 है, बी कितना परसेंट था, 25%, मतलब बी कितना है, 25 है। अब बताइएगा डायरेक्ट अभी यहां से अगर 100 मान के आप चलते एग्जामिनेशन में, पहला पार्ट का ए बी का कितना परसेंट है, 20/25 × 100 दैट इज इक्वल टू वही 80% आ जाएगा आपका। और दूसरा क्वेश्चन बी ए का कितना परसेंट है, ऊपर में 25 नीचे में 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20 × 100 हो जाएगा हमारा 25 × 125%। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले फॉर्म पर पहुंचते हैं। अगला फॉर्म क्या है, अगला इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, क्या इफ द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 3%, कॉमोडिटी कोई भी सामान जो चीज हम लोग घरेलू यूज में यूज करते हैं घर में, तो उसका प्राइस 3% इंक्रीज कर गया है, कहते द रिडक्शन इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में हमको क्या करना है, कमी करना है, रिडक्शन इन कंजम्पशन so as not to increase the expenditure, ताकि हमारा खर्च ना बढ़े। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप बाहर में रहते हैं, आप स्टूडेंट हैं बाहर में रहते हैं और आपको घर से 100 rupees मिलता है कि आपको चीनी एक महीने का जो खर्च है वो 100 rupees है, और अब चीनी का दाम बढ़ गया 120 rupees हो गया, लेकिन आपको घर से जो है अधिक पैसा नहीं मिल रहा, अभी भी 100 मिल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, जितना खर्च हम चीनी एक महीना में करते थे अब उससे हमें क्या करना होगा, कम खर्च करना होगा ताकि 100 रुपया में ही हमारा काम चल जाए। इस तरह का क्वेश्चन, या कभी हो सकता है कि 100 रुपया हमारे चीनी का रेट था, घर से 100 रुपया मिलता था, अब चीनी का दाम 80 रुपया हो गया है, अब ये क्वेश्चन पूछ देगा कि हम अपने खपत को एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ा दें, जो खर्च कर रहे हैं कितना बढ़ा दें कि एक्सपेंडिचर पर फर्क न पड़े, एक्सपेंडिचर वही रहे, माने अभी भी हम 100 रुपया का ही चीनी कंज्यूम करें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझिएगा, करेक्ट, इफ द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज बाय 3% देन द रिडक्शन इन कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर कितना आता है, पी बाय 100 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। मान लीजिए या देखिएगा, हम सुगर का ही बात करते हैं, ओल्ड रेट जो है, ओल्ड रेट इसका कितना है, 100 rupees पर केजी। अच्छा, ये हम लोग 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 में कैलकुलेशंस बड़ा आसान होते हैं, जोड़ना और घटाना क्या होता है, इजी होता है, इसलिए हम कैलकुलेशन और परसेंटेज 100 में बात भी करता है, इसलिए हम लोग 100 हर जगह लेकर के चलते हैं। मान लीजिए प्राइस में 3% इंक्रीमेंट हुआ, 3% प्राइस इंक्रीज किया, तो न्यू पर ये ओल्ड रेट था, ओल्ड प्राइस, और न्यू प्राइस कितना हुआ, न्यू रेट 100 रुपया तो था ही, प्लस 10% बढ़ा, 3% किसका, 3% बढ़ा 100 रुपया का, तो 100 का पी बाय 100, पी और पी कटेगा, कितना निकल करके आएगा, अब दाम कितना हो गया, 100 + 3 rupees हो गया। अब बताइएगा, पहले 100 रुपया में कितना केजी चीनी मिलता था, 1 केजी, अब हमें 100 रुपये खपत कितना रखना है, 100 रुपया ही रखना है, तो अब हम लोग 100 रुपया में कितना केजी चीनी मिल रहा है, तो सुगर फ्रॉम 100 rupees किससे, न्यू रेट से, बताइए कितना हो जाएगा, 100
by 100 plus 3 kg और मिल जाता है। और पहले कितना मिलता था 100 रुपीस में 1 kg मिलता था, तो रिडक्शन कितने का हुआ? रिडक्शन कितने का हुआ? पुराना वाला 1 kg मिलता था, अब हम लोग को मिल रहा है 100 by 100 plus 3 मिल रहा है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो P by 100 plus P आएगा। हमको क्या कैलकुलेट करना था? रिडक्शन परसेंट। रिडक्शन परसेंट कितना होगा? तो किसका परसेंटेज निकालना? रिडक्शन का। तो रिडक्शन कहां जाएगा? ऊपर। बाय किसके रिस्पेक्ट में रिडक्शन करना है? तो ओल्ड अमाउंट से ही कम होगा ना, या ओल्ड अमाउंट कितना, पहले कितना मिलता था? ओल्ड अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। रिडक्शन कितना है? P by 100 plus P by 1, ओल्ड अमाउंट 1 था, मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 का हमारा कोई मतलब नहीं बनता है, कितना हो जाएगा? P by 100 plus T मल्टीप्लाइड बाय 100। इतना काम जो उनको बोर्ड के सॉरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। ठीक, तो याद क्या रखेंगे? P plus 100, P by 100 plus P multiplied by 100। उसी तरह से दूसरा और क्या कह रहा है? If the price of commodity decreased by T percent से commodity का price decrease कर जाए, then increase in consumption so as to not decrease the expenditure। यदि कोई commodity का price जो है वह T percent से घट जाता है तो हमारा एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क न पड़े, तो हम अपने कंजम्पशन में कितना का डिक्रीमेंट करें, देन द इंक्रीज इन कंजम्पशन, कितना हम बढ़ाएं कंजम्पशन ताकि खर्च मेरा पुराना वाला ही रहे, इस पर ज्यादा ध्यान रखना है। तो सेम क्वेश्चन, मान लीजिए ओल्ड रेट 100 रुपया पर केजी था, अब थोड़ा सा शॉर्ट में देखिएगा, ओल्ड रेट 100 रुपया केजी था, ये ओल्ड की बात हो रही है। न्यू की अगर बात करेंगे तो अब 100 रुपया पहले था, अब 100 का क्या परसेंट घटा है? P परसेंट घटा है, तो कितना हो गया ये 100 माइनस P। अब 100 माइनस P में से कितना चीनी मिलेगा, सुगर फ्रॉम या कमोडिटी फ्रॉम 100 माइनस P रुपीस इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, सॉरी न्यू रेट था, सुगर फ्रॉम 100 रुपीस कितना हो जाएगा? 100 बाय 100 माइनस पी, 100 बाय 100 माइनस पी। इंक्रीमेंट ये वाला ज्यादा आपको लग रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, मतलब ये फ्रैक्शन अधिक है, पहले एक ही मिलता था, तो क्या हुआ? इंक्रीमेंट इन सुगर, इंक्रीमेंट कितने का होता है? अब इंक्रीमेंट में नया वाला में से घटाएंगे पुराना वाला, 100 बाय 100 माइनस पी माइनस 1, पहले 1 केजी मिलता था, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो पी बाय कितना आएगा? 100 माइनस पी, इंक्रीमेंट का परसेंटेज निकाल लीजिए, इंक्रीमेंट परसेंटेज इज इक्वल टू, इंक्रीमेंट हुआ है पी बाय 100 माइनस पी डिवाइडेड बाय 1, तो फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाइड बाय। इसको हम लोग को क्वेश्चन में कैसे पुटअप करना है, बड़ा आसानी से हम लोग पुटअप कर सकते हैं इसको क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन पूछता, इफ द प्राइस ऑफ सुगर इंक्रीज्ड बाय 20% देन बाय व्हाट परसेंट कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कोई खर्च बढ़ना, एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि यदि चीनी के दाम में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है तो खर्च में कितना प्रतिशत का कमी लाया जाए, खपत में कितना प्रतिशत का कमी लाया जाए कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो है सेम रहे, तो कितना परसेंट से पी कितना गिवन रहेगा हमको? 20% से हमें इंक्रीज किया, आप एरो मतलब समझिएगा इंक्रीज, चीनी का दाम बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर
सॉरी हमारा कंजम्पशन कितना, रिड्यूस्ड कंजम्पशन, रिड्यूस्ड कंजम्पशन परसेंटेज इज इक्वल टू क्या था, पी बाय 100 प्लस पी। जब भी रिड्यूस देखना रहे आपको, जब भी छोटा देखना रहे तो हमेशा कोशिश कीजिए कि डिनोमिनेटर बढ़े, मैंने 100 प्लस हो जाएगा। आप पहले वाले में भी देखेंगे कि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है, वहां कम की बात हो गई। तो नीचे डिनोमिनेटर कितना था, 100 प्लस एक्स, यहां क्या है 100 प्लस पी मल्टीप्लाइड बाई 100, पी कितना 20% सर, नीचे 100 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो जाएगा 20 बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना बार में, 6 बार में, ये 3 और ये 50 16 2 by 3 बस। पर यदि दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्राइस जो है वो 20% से डिक्रीज किया है, घटा है, ठीक है, इंक्रीज्ड कंजम्पशन परसेंट, यहां पूछता है इंक्रीज्ड कंजम्पशन परसेंटेज इज इक्वल टू, अब बढ़ा हुआ चाहिए तो डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होगा सीधा सीधा यहां से भी आप कर सकते हैं 100 माइनस पी, ऊपर में तो पी ही रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 100, 20 बाय 100 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 20 बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, 4 बार में कितना परसेंट 25%, ठीक है। तो इस तरह, तो अभी तक आप लोग तीन फॉर्म हम लोग देखे, पहला फॉर्म था कि ए बी से एक्स परसेंट अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, जब कम की बात होगी तो नीचे 100 प्लस एक्स आएगा, तो क्या था एक्स बाय 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। फिर क्या था, यदि ए बी से एक्स परसेंट कम हो तो बी कितना अधिक, अधिक की बात होगी तो नीचे 100 माइनस एक्स होगा, एक्स बाय 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। फिर आपने देखा कि ए जो है सी का एक्स परसेंट है, बी सी का वाई परसेंट है, तो ए जो है बी का कितना होगा, तो बी के रेस्पेक्ट में कंपेयर करना है, बी वाला परसेंटेज नीचे आप इस तरह से दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे एक्स बाई वाई मल्टीप्लाई बाय 100, पूछता कि बी ए का कितना परसेंट है, तो ए का परसेंटेज नीचे आता और आप क्या लिखते वाई बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तीसरा, किसी कॉमोडिटी का प्राइस पी परसेंट बढ़ जाए या पी परसेंट घट जाए तो हमारा कंजम्पशन कितना घटाना चाहिए या कितना बढ़ाना चाहिए ताकि एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क न पड़े। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटाना है, कंजम्पशन जब घटाना है तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए तो 100 प्लस पी लेकर के चलना है, जब प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ाना है क्योंकि अब कम रुपया में उतना ही रुपया में ज्यादा सामान मिलेगा तो कंजम्पशन बढ़ाना है, और जब बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर जब छोटा होना चाहिए तो क्या करना होगा 100 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा 100 माइनस पी, तो p by 100 minus p multiplied by 100%, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे, अगला लेक्चर हम लोग जब फोर्थ लेक्चर में लेकर के आएंगे तो कुछ नए कॉन्सेप्ट पर और बात करेंगे, अभी और भी बहुत सारे फॉर्म हैं जिससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे अनुरोध होगा कि आप मन लगा करके पढ़िए और कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।